खूबसूरत गाना आज रिकॉर्ड हुआ है जो योगेंद्र ने कंपोज किया है, और हमारे डायरेक्टर साहब भी साथ में हमारे हैं, और हैदर जी ने बहुत ही खूबसूरत लिखा है, और इतना खूबसूरत गाना, यानी कि मुझे गाने में बहुत मज़ा आया है। कुछ हट के कंपोजिशन सुनने को मिली, और मैंने काफ़ी वक्त लिया इस रिकॉर्डिंग में गाने के लिए, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है। जब ये गाना आएगा आप लोग सुनेंगे तो इसका खूब लुत्फ उठाएंगे। बहुत ही सुरीली कंपोजिंग की है योगेंद्र ने, बहुत अच्छा लिखा है, बड़ा मज़ा आया। तो इस गाने के लिए, इस एल्बम के लिए किस तरह से आपको लोग रेडी कर पाए कि आपको गाना, और क्या इसमें आपको क्या इस सॉन्ग में क्या ऐसी खास बात लगी कि आपने इसके लिए? देखिए, हमारा काम है गाने का, और कोई अच्छा गाना हमारी झोली में आ रहा है और मुझे याद किया गया, हैदर ने कॉल किया गया, शबा भाई इस टाइप का गाना है, मैं चाहता हूँ कि आप वो गाएँ ज़रूर। मैंने कहा मैं सुनना चाहता हूँ पहले, तो मैंने जब योगेंद्र से कंपोजिशन सुनी तो बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन, तो मैंने डिसीज़न लिया, मैंने कहा हम लोग जल्दी रिकॉर्ड करते हैं। और गाना जिस स्टाइल से लिखा गया है, पोइट्री में भी आपको नए लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, और कंपोजिंग के अंदर भी बहुत अलग अंदाज, क्योंकि आजकल का जो स्टाइल चल रहा है, जिस तरीके से आज के गाने चल रहे हैं मार्केट में, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन लोगों ने राइटिंग भी की है, कंपोजिशन भी की है, और उसमें नई बात यह है कि मैंने नए अंदाज से गाया है। तो सबाब जी ने जब भी जो गाना गाया है वो हमेशा लोगों के लब्स पे रह चुके हैं, लोग उसे हमेशा गुनगुनाते, क्या लग रहा है ये कि उन गानों में से? थैंक यू सो मच, ये आपका प्यार है, आपका बड़प्पन है, और इंशाल्लाह मैं ये समझता हूँ कि ये भी उस लिस्ट में इंशाल्लाह ज़रूर शामिल होगा। आप क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह से इस गाने के लिए, आपने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से इस गाने को आपने लोगों तक ले जाने की आपकी कोशिश की? देखिए, इस गाने की जर्नी इस तरह रही कि हैदर जी जिन्होंने लिखा ये गाना, बहुत प्यारे लिरिक्स लिखे हैं, जब ये मेरे पास आए कि भाई गाना है करना है, तो मैंने गाने के लिरिक्स देखे, फिर मैंने टाइम लिया, लेकिन जब लिरिक्स पढ़े उसके बाद जब ट्यून बनाई मैंने, तो 20-25 अलग अलग पैटर्न बनाए। उसके बाद जब देखा कि हैदर जी बहुत जुनूनी व्यक्ति है और कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, इंडस्ट्री को अच्छा गाना देना चाह रहे हैं, तो उस 25 पैटर्नों में से मैंने 5 शॉर्ट लिस्ट किए, 5 में से 2 करने के बाद एक फाइनल कंपोजिशन रेडी हुई। और उसके बाद जब इसका म्यूज़िक तैयार किया तो मैंने बहुत सारी नई नई इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, VST प्लगइन्स यूज़ किए, नए नए अरेंजमेंट यूज़ किए, जो आज की यूथ एक्चुअल में चाहता है, आज की जनरेशन चाहता है, तो गाना बहुत अच्छा बन पड़ा। और सबसे स्पेशल बात है कि शबाब भाई इस गाने को मिल गए हैं, सलमान खान जी के इतने सुपरहिट ब्लॉकबस्टर गाने इंडस्ट्री को इन्होंने दिए हैं, ये हमारे सौभाग्य है। दबंग जैसे गाने, दबंग फिल्मों के गाने, और मेरे रश के कमर से लेके तमाम बॉलीवुड हिट सॉन्ग इन्होंने दिए, और इस गाने की डेस्टिनी है, इस गाने की किस्मत है, और सभी ये ऐसा योग है इस गाने का कि इस गाने को मतलब एक अच्छी आवाज़ मिली है, और मेरी ऐसी ब्लेसिंग्स है कि लोगों के दिल तक ये गाना ज़रूर पहुँचेगा और सभी इंजॉय करेंगे इस गाने को सुनकर। तो हैदर जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप इसमें एक्टिंग भी कर रहे हैं, एज ए एक्टर भी हैं, और इस फिल्म को आपने लिखा, इसकी कोशिश कर रहा हूँ कुछ करने की, अगर उस कोशिश में कामयाब हो जाता हूँ तो ये ऊपर वाले का शायद मेरे पे एक करम होगा। सबसे पहली बात तो यह है कि हमें शबाब भाई मिल गए और ये गाना हो गया, बस यही इस गाने की खूबसूरती होगी। तो क्या इस गाने में क्या नयापन होगा, जिस तरह से अगर अभी हम मौसम की बात करें तो बहुत ही सुहाना बारिश का मौसम चल रहा है, और उस टाइम पे आपका सॉन्ग रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपके गाने में कितना सुहानापन होगा, और क्या रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, किस तरह का सॉन्ग है? ये एक रोमांटिक सॉन्ग कोशिश करी लिखने की, और इस रोमांटिक सॉन्ग के अंदर सबसे खास बात यह है कि लोग अल्फाजों को याद रखेंगे। वाह, कितना वक्त लगा इस गाने को लिखने में? तो ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन इसको कंपोज करने में बहुत वक्त लगा, बहुत मेहनत करी। 3-4 महीने की जर्नी तय करके आया है, और सारी लेटेस्ट जनरेशन का म्यूज़िक अरेंजमेंट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं मैंने, 20-25 इंस्ट्रूमेंट अलग अलग टाइप के, और आपको इंडस्ट्री के जो लेटेस्ट वर्जन के इंस्ट्रूमेंट आपको इसमें सुनाई देंगे, और मेरे यही ब्लेसिंग्स है कि गाना ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और युवाओं तक पहुँचे, और भी जो म्यूज़िक सुनने वाले हैं उन तक पहुँचे। और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट मैंने लास्ट टाइम किया था, उसके बाद मैं एक अच्छी कंपोजिशन जो मुझे चाहिए थी वो ये कंपोजिशन, मेरे म्यूज़िक के थ्रू लोगों तक अच्छा गाना
जरूर सुनने को मिलेगा, ऐसी मेरी ब्लेसिंग्स है। सबसे बड़ी बात यह है कि शबाब भाई को ये इस गाने को आवाज़ दिए हैं, जितनी खूबसूरत आवाज़ दिए हैं उतनी ही खूबसूरत जगह पे शूट भी होने वाला है। मतलब और एक आपके चीज लिए चैलेंजिंग नहीं है कि उनके गाने पर जो हिट सॉन्ग दे चुके हैं उनके गाने पर आप प्ले कर रहे हैं एज एक्टर, तो कहीं आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, आपको मन में कोई डर है? चैलेंज किस चीज़ का, जब इतनी खूबसूरत आवाज़ है तो फिर इस खूबसूरत आवाज़ के साथ हम उस खूबसूरती को इसको फिल्माएंगे। और हो सकता है कि मेरे लिए सबसे अच्छी जर्नी हो, कि मेरी शुरुआत अच्छी जगह से हो रही है, अच्छी शुरुआत होगी, हो सकता है नसीब हो। वीडियो भी शूट कहाँ किया जा रहा है? जयपुर में, ज़्यादातर राजस्थान में शूट होने वाला है। आप कुछ कह रहे थे? मैं यही कह रहा हूँ कि ये गाने से शबाब भाई का एक नया कलर इंडस्ट्री को पता चलेगा, एक नई टोनल क्वालिटी उनकी इंडस्ट्री को पता चलेगी, एक नया उनका वॉइस टेक्चर लोगों के सामने आएगा। और बहुत बहुत शुभकामनाएं शबाब जी को, उन्होंने इतना टाइम दिया और इतने लंबे अंतराल के बाद एक अच्छा गाना सुनने को मिलेगा। कोई भी एल्बम हो या मूवी हो उसमें एक्ट्रेस का भी बहुत अहम रोल होता है, तो इसमें भी हमें कोई हीरोइन या कोई खास नजर आएंगे एक्ट्रेस या फिर एक्ट्रेस ही पूरा एल्बम नजर आएगा? हीरोइन जो है वो राजस्थान की है, एक मॉडल है, पहले उसने बहुत सारे शो भी किए हैं राजस्थान में, तो उसमें हमने एक खूबसूरत गाने के साथ खूबसूरत जगह से खूबसूरत मॉडल उठाई है हमने, और इस गाने में हम उसको शूट करने वाले हैं। उसका नाम है राखी शर्मा। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप डायरेक्ट कर रहे हैं इस एल्बम को और कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी? बस आप लोगों की दुआएं चाहते हैं, और मैं बीबी एंटरटेनमेंट से ये सेकंड गाना है ना डायरेक्शन कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने ख्वाब किया, फिर इन्हीं ने मुझे इसमें फिर मौका दिया। और कसीम हैदर भाई की तो मैं बात ही, ये बिल्कुल कुछ दिखाना चाहते हैं इंडस्ट्री को, जो इनके पास है हुनर वो साबित करना चाहते हैं, तो इस वजह से मैं भी इनके साथ हूँ। और मैं बोलने से ज़्यादा करने में यकीन रखता हूँ, कि इस शेर के साथ मैं अपनी पूरी बात ख़त्म करता हूँ। ना कर तमन्ना ऐ दिल तू किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस ज़माने की, खुद को बना ले काबिल इस कदर के लोग रखें तमन्ना सिर्फ तुझको पाने। वाह 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 वाह, क्या बात। बट जितनी जल्दी हैदर कसीम कसीम 14 तारीख को इसका शूट है, शूट ले 14-15 को इसी महीने की, उसके बाद जब एडिट हो जाएगा तो शबाब जी क्या कहना चाहेंगे इन कलाकारों के साथ काम करके, आपको इस यूनिट के साथ काम करके किस तरह का एक्सपीरियंस? मुझे बहुत मज़ा आया, अभी जो लम्हात आपके सामने गुजरे हैं उसमें बहुत अच्छा लगा, और भाई का शेर से मैं बहुत खुश हूँ, कमाल का शेर कहा है। और अल्लाह ताला ये मैं गुजारिश करता हूँ ऊपर वाले से कि ये गाना भी हमारा बहुत तरक्की और बुलंदियों को छुए, क्योंकि इतनी मेहनत इतने लगाव से जो हैदर कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्यार मुझे जब कॉल आया कि शबाब भाई बहुत इसको गाने को और करना है, और इतने अच्छे कंपोज जब मैंने सुना, मैंने कहा हम लोग जल्दी डब करते हैं, और आज वो दिन आ गया, आपके रूबरू मज़ा आ गया, महफिल समा गया। थैंक यू सो मच। तो पत्रकारिता से इस तरह से एक्टिंग में किस तरह से आपका इंटरेस्ट? कोशिश कैसी, कुछ ऐसा इंटरेस्ट क्या लगा? एक ख्वाब था, वो ख्वाब पूरा हो रहा है। तो आगे क्या क्या ख्वाब है, किस तरह से ये आपकी जो एक कदम आपने रखा है फिल्म में एक्टिंग में, तो ये आगे किस कहां तक लेकर चलता रहेगा? जब तक जिंदगी है तब तक, अब हम तो जुड़े हुए हैं इसी लाइन से, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुकाम पे। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश करम, मजा आ गया है आप लोगों के साथ रूबरू महफिल में बैठ कर, और हमारे लिए दुआ कीजिए कि ये एल्बम खूब तरक्की और एक मिसाल बने। बेकरार दिल मैं चाहता हूं कि सर के ये गाना जब रिलीज हो जब भी सुना जाए, मैं चाहता हूं राज को राज रहने दो। कोई बात नहीं, ये बेकरार